इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, आसमान से जमीन तक ब्रेवरी, कमिटमेंट और डेडिकेशन की एक अनोखी मिसाल है, जिसका नाम दुनिया की सबसे पावरफुल, प्रोफेशनल और रिस्पेक्टेड एयरफोर्स में गिना जाता है। वेलकम टू आवर चैनल, और चलिए आज जानते हैं ग्लोरियस इंडियन एयरफोर्स के बारे में, जिसने भारत की स्काईलाइन को सेफ रखने के लिए दिन और रात का फर्क ही मिटा दिया। IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स स्टैब्लिश हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को, और इसे नाम दिया गया था रॉयल इंडियन एयरफोर्स, इसलिए 8 अक्टूबर को ही इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस के बाद रॉयल वर्ड को इसके नाम से हटा दिया गया। 1 अप्रैल 1933 को IAF की पहली फ्लाइट उड़ी। उस समय की एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री में थे 4 वेस्टलैंड रैपिडी बाइप्लेन्स और 5 इंडियन पायलट, जिनको लीड किया ब्रिटिश RAF कमांडिंग ऑफिसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट सेसिल ब्राउचर ने। इन द बिगिनिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट इस एयरफोर्स को अपने पोर्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए यूज करती थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में चापीज आर्मी को बर्मा में रोकने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया। 1943 में इंडियन पायलट्स को ट्रेन करने के लिए अंबाला में एक फ्लाइंग स्कूल बनाया गया। इंडिपेंडेंस के समय इंडिया के पास टेम्पेस्ट, स्पिटफायर और C-47 प्लेन्स थे। एग्जिस्टिंग प्लेन्स जैसे हॉकर, हंटर, वैम्पायर और कैनबेरा के ऑब्सोलीट होने की शुरुआत के चलते 1950s में इंडिया ने रशिया से वेपन्स इंपोर्ट करना शुरू किया, जिनमें सबसे पहले था इल्यूशन II-14 कार्गो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फिर IMIG-21, जिनको कई बार क्रैश होने के कारण लोगों ने नाम दिया द फ्लाइंग कॉफिन और द विडोमेकर। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सी लड़ाइयों में इंडियन एयरफोर्स ने एक वाइटल रोल प्ले किया। शुरुआत हुई इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947-48 से। IAF ने न केवल ग्राउंड फोर्सेस को एयर सपोर्ट दी, बल्कि पाकिस्तानी टारगेट्स पर भी अटैक किया। अल्टीमेटली जीत इंडिया की हुई और जम्मू एंड कश्मीर रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद 1965 में फिर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, जिसमें IAF की इंटरवेंशन ने हेल्प किया टू टर्न द टाइड ऑफ द वॉर इन इंडियाज़ फेवर। 1971 में एक बार फिर हुई इंडो पाकिस्तान वॉर। इस वॉर का रिजल्ट था क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। बैटल ऑफ पोयरा कही जाने वाली ये लड़ाई करीबन 14 दिन चली। IAF की एयर स्ट्राइक्स ने पाकिस्तान के बहुत सारे एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए। ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट देने के लिए IAF ने ईस्ट पाकिस्तान में कई जगह एयर स्ट्राइक की। 1999 में हुई कारगिल वॉर के बारे में हम सभी जानते हैं। कारगिल के हाई ग्राउंड्स पर IAF की एयर स्ट्राइक्स हेल्प टू रिमूव पाकिस्तानी सेना फ्रॉम दीस पॉइंट्स। आज IAF इज अ वर्ल्ड क्लास एयरफोर्स, जिसके पास है हाईली ट्रेन पर्सनल एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी। इसकी फ्लीट में है 2000 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट, इंक्लूडिंग फाइटर जेट, बॉम्बर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स। IAF फाइटर जेट फ्लीट में शामिल है राफेल, सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000 और तेजस। इसकी बॉम्बर फ्लीट में है टुपोलिव 222 M3 और जैगुआर। IAF के एयर डिफेंस सिस्टम्स में है S-400 ट्रायम्फ, आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। राफेल की गिनती वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट्स इन द वर्ल्ड में होती है। अपनी फाइटर जेट फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिया ने 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर जेट्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। न केवल एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और बॉम्ब जैसे वेपन सिस्टम्स, बल्कि राफेल में स्टेट ऑफ द आर्ट रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी है। राफेल की इंडक्शन ने IAF की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को कई गुना बढ़ा दिया है। राफेल अग्रीमेंट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कोलैबोरेशन के प्रोविजंस इंडिया की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने और इंपोर्टेड वेपन्स और डिपेंडेबिलिटी को रिड्यूस करने में काफी हेल्पफुल साबित होंगे। इंडियन एयरफोर्स बहुत से इंडिजिनस वेपन्स को डेवलप कर रहा है ताकि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। सम ऑफ द नोटेबल मेक इन इंडिया वेपन्स में एक है तेजस फाइटर जेट, जिसे बनाया है HAL ने। अभी तक 40 तेजस फाइटर जेट्स IAF में शामिल किए जा चुके हैं। HAL ने ही बनाया है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। DRDO द्वारा डेवलप की गई अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल कैन एंगेज टारगेट्स फ्रॉम 500 meters अप टू 340 kilometers। इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर में डेवलप हुई ब्रामोस एक मीडियम रेंज की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि लैंड, शिप, सबमरीन और एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च की जा सकती है। वर्क इज ऑन टू मेक इट्स इंप्रूव्ड वर्जंस। हम सब और हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए वी विल ऑलवेज बी इंडेबटेड टू द इंडियन एयरफोर्स, सैल्यूटिंग देयर करेज, वैलर एंड कमिटमेंट। जय हिंद।